नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां खुले में विक्रय मीट पर जिला प्रशासन की कार्यवाही नजर आई। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां 4 जून को होगी मतगणना। भाजपा व कांग्रेस दोनों खेमे जीत को लेकर आश्वस्त, और बताएंगे कैसे हजारीबाग में हो रही झमाझम बारिश से माहौल हुआ खुशनुमा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भोपाल से है, जहां बैरागढ़ में खुले में विक्रय मीट पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। बैरागढ़ में विसर्जन घाट के सामने खुले में बिक रही हैं मछलियां। भोपाल एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदार को समझाइश दी गई। दुकान में रखे गए मीट मटन को ढक कर रखे, अन्यथा उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी। बैरागढ़ विसर्जन घाट के सामने और लाल घाटी चौराहे पर खुले में मीट बेचा जा रहा है। ये शिकायत मिली थी कि यहाँ इस बैरागढ़ रोड पे खुले में मछली विक्रेता बैठते हैं। आज आके समझाइश दी है कि क्या क्या इनको सावधानियाँ रखनी, कल पुनः आके देखेंगे कि उन्होंने पालन किया उसका। कई जगह खुलेआम आज भी बिक रही है, चाहे मार्केट में चले जाएँ, सब्जी मंडी, वहाँ भी खुलेआम मटन टांग के लगे हुए लोग, कई बार शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। अभी निरंतर निरीक्षण करेगी, नगर निगम की टीम भी हमारे साथ रहेगी, जहाँ भी ऐसा होगा उन पर वैधानिक कार्रवाई होगी। अभी हटाई जाएगी या सिर्फ समझाइश? अभी समझाइश दी, कल इससे पालन कराया जाएगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां 45,000 रुपए महिला से लूट लिए एक बाइक सवार ने। बता दें कि महिला को बनाया अपना निशाना। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व सीओ वरुण मिश्रा ने मामला। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, बैंक के चंद कदमों की दूरी पर हुई महिला से लूट, पुलिस जांच में जुटी। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि टीमें गठित कर दी गई हैं, लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे जानते हैं इस विषय में पीड़िता फूलवती और पीड़िता का पति ओम प्रकाश और बेटे आकाश का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो आप कहाँ पर नौकरी करते हो, किस पद पर हो? डिपो में करता हूँ। किस पद पर बाबू जी? किस पद? वो ये यहाँ तक जानवरों का काम है। तो बाबू जी अभी बैंक आए थे आप, कौन सा बैंक है, क्या करना हो? इसी बैंक में पेमेंट लेने आया था। कितने रुपए थे? 47,000। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ से गया हूँ और यहाँ को निकला हूँ मैं, और निकलते ही वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ ये हमें पड़े, और यहीं बाइक पर आ गया, कोई गया और इन्हों की हमने गए ले, इस हाथ में पैसे थे वो उन्होंने छीन के एकदम भाग लिया। कितने लोग थे उसको बाइक? एक था। तो आपके कितने रुपए गए जो लूट हुई है? 47,000। क्या घटना हुई आपके साथ? पैसे लेके बाकी है, पैसे निकालने आई थी, 47,000 रुपए निकाले थे। कौन से बैंक से निकाले थे, कितने पैसे थे, कितने लोगों ने लूट करी आपके साथ? अकेला था वो, मोटरसाइकिल पर वो पाता हुआ था, उसने चेक की फुट सेट थी उसकी। कौन से बैंक की घटना? हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हजारीबाग में हो रही झमाझम बारिश से माहौल हुआ खुशनुमा। लोगों ने ली गर्मी से राहत की सांस। बता दें पारा 44 डिग्री के पार जा चुका था, जिससे मिलेगी अब लोगों को राहत। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे में शनिवार धुआं उठा, तब जब मालगाड़ी लोटा मारा, दुर्गापुर कोयला लोडिंग प्वाइंट से कोयला लाद कर सिक्लाइन यार्ड में जांच के लिए गई, तो जांच के बाद आगे की ओर गाड़ी को रवाना किया जाता है। स्टेशन मास्टर लखीचंद हैमरिम ने बताया कि हमें लगभग सुबह 7 बजे सूचना मिली कि यार्ड में कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे से धुआं उठ रहा है। हमें ये समझने में देर नहीं लगी कि गाड़ी में लदे कोयला में आग लग गई है। तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया, मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। कैसे लगी इसको तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि याद से हमको खबर मिला एक रेखा एक वाहन में जो है धुआं उठ रहा, तो उसको काट के सिक्लाइन में प्लेस कर दिया है। तो हम TNNDR जो है 6:30 बजे फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर दिए, कैसे सब आप लोग आए हैं अपना काम। आपका क्या नाम? पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का निष्कर्ष निर्णय 4 जून को जाहिर होगा। बता दें किसके सिर पर ताज सजेगा, ये तो मतगणना परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल बात करें दुर्ग लोकसभा के चुनावी विश्लेषण की,
तो अभी भी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी की खेमों में कार्यकर्ता पदाधिकारी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को कमतर नहीं आंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में विजय बघेल दुगने वोटों से जीत दर्ज करेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। पिछली बार 3,93,000 से बघेल जी जीते थे, लेकिन इस बार परिस्थिति विपरीत है। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं गिनाई है जिसके बदौलत वो जीत पाए, और इस बार सभी समाज का सहयोग राजेंद्र साहू को मिला है, और इस बार बिल्कुल निसंदेह बिल्कुल राजेंद्र साहू जी जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनी। राजेंद्र साहू जी को उसकी जीत सुनिश्चित होने का मुख्य कारण है कि विजय बघेल जी का निष्क्रियता। इस बार दुर्ग लोकसभा में राजेंद्र साहू जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं और लगभग 1,00,000 वोट से चुनाव जीतेंगे राजेंद्र साहू जी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। भूषण लाल साहू, अध्यक्ष तहसील साहू संघ दुर्ग साहब। निश्चित तौर से दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय बघेल जी पूरे 9 के 9 विधानसभा भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और ये एक उनकी शानदार जीत रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक उपहार रहेगा। नहीं, निश्चित तौर पर आम जनता का जो निर्णय था, आम जनता का जो झुकाव था, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति था, और पिछले 5 वर्षों में विजय बघेल जी सांसद रहते हुए जिस तरीके से लोकप्रिय थे आम जनता के बीच, वो जिस तरीके से उनका आना जाना था, बैठना था, मैं बताया ना, उन सवेरे 6 बजे से अपने मॉर्निंग वॉक के दौरान ही वो आम जनता से मिलना चालू कर देते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान चलते चलते रास्ते में ही करते थे, और रात देर रात तक उनका जो समागम है वो चालू रहता था लोगों के साथ। तो ये एक काफ़ी विस्तृत और बहुत वृहद स्तर पर उन्होंने काम किया है क्षेत्र में, लोगों का उनको बहुत स्नेह मिला है, बहुत प्यार मिला है, और बाकी तो जो भी था भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का रुझान के, मैं अब तो चुनाव हो चुके हैं, ये बातें मैंने आपसे पूर्व में भी कही थी चुनाव के पहले, और आज भी बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि साहू समाज बहुत मेहनतकश और बहुत ईमानदार समाज है। वो हमेशा से राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते आया है, और बात कांग्रेस के द्वारा साहू समाज कैंडिडेट देने की नहीं थी, बात ये साहू समाज के मन में जो था वो यही था कि राष्ट्रहित कहाँ है, तो राष्ट्रहित उनको सदैव अभी भाजपा के साथ दिख रहा है, और खुल के साहू समाज ने भाजपा के लिए वोट किया। मेरा मानना 5,00,000 से ऊपर। जय श्री राम। हम सब ने, पूरे देश ने ठाना है जिसने राम को लाया है उसको हम लाएंगे। पूरे देश के लोग सनातन धर्म को देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसलिए मोदी जी को फिर से तीसरी बार 400 पार का नारा चल रहा है, वो 400 पार का नारा हकीकत है। 4 तारीख को पूरे आप सबको देखने को मिलेगा, मोदी जी 400 पार करेंगे, ये फाइनल है। देखिए, कांग्रेस जुमलाबाजी है, जीवन भर से 70 साल से लगातार देश की जनता को लूटते आ रहे हैं, झूठा आश्वासन भरे देते हैं, गरीब को गरीब बनाते हैं, अमीर अमीर बनते हैं, खुद अपना पेट भरते हैं, देख रहे हो लगातार जेल जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद जितने कांग्रेसी तक जितना काला धन भरे हैं ना, वो सब फिर से जाएंगे, और ये साउथ में कहीं साउथ ऑफ फैक्टर नहीं चला है ना, इसका 1,00,000 रुपया जो महिलाओं को वह महीना देने का बात किया वो नहीं चला है। हमारे सांसद विजय बघेल जी दुर्ग लोकसभा से भारी मत से पिछले समय से भी पार कर रहे हैं, 4,00,000 को पार करके चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, आज 10 सालों से पूरे देश की जनता त्रस्त हो गई है, और आपको हमको पता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आनी तय है। आज युवाएं, आज हमारी बहनें, आज जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, 10,00,000 नौकरियां देने की लोगों ने घोषणा की थी और आज तक कोई नौकरियां नहीं दी है। एक तरफ हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है जिन्होंने बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 30,00,000 नौकरियां हम युवाओं को देंगे, जिसमें 15,00,000 नौकरी हमारी बहनों को मिलेगी और 15,00,000 नौकरी जो हमारे भाइयों को मिलेगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो है किसानों का, GST मुक्त किसानी के लिए बोले हमारे। ये हम तो जान रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसका कहना है कि दुर्ग में कांग्रेस की जीत तय है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।